हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चल रहा है बच्चों लेक्चर नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू सम वेरी ऑसम क्वेश्चंस ऑन फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ ये दो टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं. तो बच्चों आप आज के सेशन में बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि फैराडे लॉ एक ऐसा टॉपिक है, मैंने बोला था सिर्फ एक सेंट्रल कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है जो बहुत सिंपल है. फैराडेज लॉ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. सो विल लुक इन टू इट. एंड इफ यू गाइज कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज जेई लाइव डेली. बच्चों एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी जेई की तरफ से, जिसपे क्वालिटी जेई लेवल की एजुकेशन डेली 7 to 10 PM इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं. आई एम जयंत नागदा, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मैंने IIT बॉम्बे से बीटेक करने के बाद करीब 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और ये जो पढ़ने का तरीका है जेई लाइव डेली के थ्रू, ये आपको कैसा लग रहा है आप अपने कॉमेंट्स में बताते रहे, हमेशा बताते बच्चे. और इसी तरह का ऑसम एक तरीका अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी है, जहाँ पे इस तरह के लाइव इवेंट्स डेली हो रहे हैं. लाइव मतलब आप एक रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो, आप लेक्चर को जो है लाइव देख रहे हो. आपके कमेंट्स, आपके जो भी, जैसे यहाँ पे भी आप जो कमेंट्स लिखते हो उसको मैं देख पाता हूँ, उसका रिप्लाई कर पाता हूँ. तो उसी तरह का प्लस प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ की इंटरेक्शन थोड़ी पर्सनलाइज्ड है. वहाँ पर आप जो बात लिखेंगे वो बहुत सारे बच्चे नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड बच्चे हैं, तो वो बात सुनी जाएगी. उसके अलावा रेगुलर क्विजेज, ये एक फीचर है बच्चों. कॉम्पिटिशन में जब हम प्रिपेयर करते हैं, आपकी क्विज टाइम टू टाइम अगर आपकी टेस्ट हो रही है उसमें क्या आपकी परफॉर्मेंस आ रही है आपको पता चल रहा है, तो बहुत हेल्पफुल होता है. आपकी प्रिपरेशन सिर्फ लेक्चर देख के नहीं होती, आपको अपने आप को एग्जाम वाली सिचुएशन में टेस्ट करके होती है. तो रेगुलर क्विजेज जो वहाँ पे वीकली मंथली हो रहे हैं, और डाउट सेशंस वहाँ पे जो हो रहे हैं उसको आप ले सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो. unacademy.com/plus पे जाके ये जो प्लान्स है ये बहुत सारे, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है. इफ़ यू कैन ट्राई एंड गेट इट, देन गेट इट एज सून एज पॉसिबल. 12 मंथ वाला प्लान आपको 2000 पर मंथ में पड़ता है, बट विथ JEE लाइव कोड, इस कोड के साथ आपको वो 1800 पर मंथ पे पड़ेगा. बच्चों 1800 पर मंथ में JEE की टॉप एजुकेटर्स से, कंट्री के टॉप 40 प्लस एजुकेटर्स यहाँ पे डेली लाइव आके पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप काफी अफोर्डेबल रेट में पा सकते हैं. JEE लाइव कोड यूज करना जरूर याद रखिए, क्योंकि ये जो कोड है ये हमारी टीम का कोड है. मतलब आप हमारी टीम JEE लाइव डेली टीम से एसोसिएटेड है, और हमसे वहां पर पढ़ेंगे, और हमारे अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स. सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के जो कि बैचेस में आपके इवनिंग बैच हम लेते हैं 11 12th की, और अदरवाइज इंडिविजुअल कोर्सेज भी करते हैं. एक ही टॉपिक, अगर आपको एक ही टॉपिक जल्दी से रिवाइज करना है या पढ़ना है तो उसके लिए इंडिविजुअल कोर्सेज हैं. मेनी टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री दिल्ली बॉम्बे कोटा सब जगह से पढ़ा रहे हैं डेली. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन. यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑल ऑन द मोबाइल ऐप नाउ. तो अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है, ट्रेंडिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए. उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन, ये जो एक प्लस वाला सेक्शन है उस ऐप पे भी ओपन कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, रिकॉर्डिंग है बहुत सारी टीचर्स की, बट एक प्लस प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको लाइव इंटरेक्ट करने को मिलेगा एजुकेटर्स से, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है. ऑल दैट इज नाउ यू नो दैट अफोर्डेबल एट 24 मंथ का जो प्लान है दैट इज कमिंग एट सम 1600 समथिंग, राइट. बट उसको JEE लाइव कोड से आप 1500 प्रतिदिन 24 मंथ्स का जो प्लान है 2 साल के लिए, अगर आप 11th में हैं 2 साल के लिए ले सकते हैं, या अगर आप 12th में हैं और आपका कोई कज़न है, आपका सिबलिंग है, उसको भी आप पास ऑन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन. JEE लाइव कोर्स से वो 1500 पर मंथ में पड़ता है बच्चों. 1500 पर मंथ में JEE की एजुकेशन मिल रही है, दैट्स लाइक इन इट सेल्फ अ वेरी बिग डील. एंड अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हम फैराडेज लॉ पढ़ रहे थे. फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या है, कि आपका जो इंड्यूस EMF है एक लूप में, दैट इज माइनस d∅b/dt. 5b क्या है, फ्लक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपको क्लियर है. पहले दूसरे लेक्चर में ही अपन ने चीज़ें पढ़ी हैं बच्चों, तो ये चीज़ आपको आई होप अब समझ में आई गई है. इसी चीज़ को हम लगा के, इसी इक्वेशन को बच्चों ध्यान में रखो, ठीक है. नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, कि कैसे लूप के थ्रू फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF बनेगा, इंड्यूस्ड EMF की वजह से करंट बनेगा, और ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन बता रहा है. ये नेगेटिव साइन का डायरेक्शन फैराडेज लॉ से कैसे आता है ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या करंट फैराडेज लॉ से, नेगेटिव साइन से वो भी आता है. और एक और लॉ है लेंजेज लॉ. लेंजेज लॉ इज स्पेसिफिकली फॉर द डायरेक्शन. कई बार बच्चों आपको मैंने बोल रखा है कॉम्पिटिशन में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ EMF और करंट, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन आज. लेंज लॉ को जल्दी से एक बार याद कर लो,
लो क्या था, आई हेट चेंज लॉ। ये मैंने बताया था आपको, आई हेट चेंज, आई एम समबडी हु हेट्स चेंज। अगर किसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के थ्रू चेंज हो रहा है, सपोज मैग्नेट के पास आने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में चेंज हो रहा है, तो जब ये पास आ रही है तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको रिपेल करने के लिए इसमें करंट कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। जब ये दूर जा रही है ना, जब ये पास आ रही है देखो, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट क्या डायरेक्शन में होगा इस कॉइल में, इस डायरेक्शन में होगा, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड उसकी इस डायरेक्शन में बने, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। और जब ये दूर जा रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा ये कॉइल, क्या करेगा, जब ये दूर जाएगा देखना, तब ये उस करंट ऐसे रखेगा सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ सके। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। लेंजेज लॉ हमने लास्ट क्लास में एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो अगर आपने वो मिस किया है ज़रूर देखना, लेकिन उसको मैं आज की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करूँगा थ्रू सम ऑफ द होमवर्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, इसकी आंसर आपकी क्या आ रही बच्चों, इस क्वेश्चन की आपकी आंसर क्या आ रही थी, मुझे कॉमेंट्स में लिख के जल्दी से बताओ। आई एम लुकिंग एट योर रिस्पॉन्सेज, वेरी नाइस, यस दिस इज गोइंग ऑन लाइव विनीत, एंड What about this question? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये रॉड आगे बढ़ रहा है तो आप देख पा रहे हो ए क्यू आर बी, ये जो लूप बन रहा है ए क्यू आर बी, इसका एरिया बढ़ रहा है, राइट? तो इसका एरिया बढ़ रहा है मतलब कि फ्लक्स बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है? जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करने के लिए उसके मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे आ सकती है? राइट हैंड थंब रूल अच्छे से बच्चों सीख लो। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज वॉज द राइट आंसर। एंटी क्लॉकवाइज आपका आया भी होगा, आई एम श्योर, होमवर्क क्वेश्चन है, बट इस टाइप के काफी क्वेश्चन अपन कल या लास्ट क्लास में कर ही रहे थे। तो ये एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसको करिए। बी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, शिवम, सिद्धार्थ, आकाश, ग्रेट गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? ये एक अलग उसी टाइप का क्वेश्चन है, और आप देखोगे कि इतनी छोटी सी बात पे, मतलब लेंस लॉ इतनी सिंपल सी छोटी सी कंसेप्ट है, उस पे भी किस तरह से कंपटीशन में, एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस केस में इफ दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैग्नेट अगर इस तरफ आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये थोड़ा सा आइडिया एक बार मैग्नेट के लिए मैंने आपको दे रखा है। तो फील्ड बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रही है, तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये फील्ड को घटाने के लिए इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल सी अ क्लॉकवाइज करंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस डायरेक्शन में थम जाना चाहिए, तो यानी कि क्लॉकवाइज एक करंट डेवलप होगा, यस और नो? सो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इन केसेस में समझ में आई? और देखो कैसे आईआईटी के एग्जाम में सिर्फ डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू दिस ऑसम क्वेश्चन, आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, क्लॉकवाइज इज राइट। विशाल, युविका, हिमांशी, वेरी नाइस, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन है जेई में 2009 में आया है, एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन डायरेक्शन, सिर्फ लेंस लॉ की एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। इसको जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए, क्या आ रहा है आपके आंसर, है ना, क्या आ रही है आपके आंसर। फिगर शोज दिस वायर सेगमेंट है, उस केस में अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में देखो और इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो आई वन और आई टू जो करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में ये क्वेश्चन है। तो आपकी आंसर्स क्या आ रही है बच्चों? आई कैन सी मेनी 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 रिस्पॉन्सेज, सम आर सेइंग, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए, काफ़ी बच्चे ए बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, बट देखते हैं क्या है, क्या आंसर है इसका। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, पहली बात तो आपका लूप क्या है, लूप कौन सा पार्ट है बच्चों, लूप में आप एनालिसिस कर रहे हो, दिस एंटायर सेगमेंट, ये पूरा वायर आपका कनेक्टेड है, ये पूरा लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब डीवी बाई डी टी आपका पॉजिटिव है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉइल में इस तरह का करंट होना चाहिए बच्चों, इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आए, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आनी चाहिए। तो कॉइल में मुझे बताओ किस वजह से करंट किस तरह हो कि आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे आ जाए,
तो ओवरऑल आई थिंक राइट हैंड थंब रूल से ये आता है कि अगर इस तरह आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी, इस तरह फिंगर्स कर्ल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा. बट इस तरह फिंगर्स कर्ल हो रही है इसका क्या मतलब है, इस तरह से फिंगर्स कर्ल हो रही है इसका क्या मतलब है, आपकी करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या है इस लूप में, अल्टीमेटली करंट की डायरेक्शन इस लूप में क्या है. दिस सेक्शन शुड हैव अ करंट लाइक दिस, है ना. आपकी राइट हैंड थंब रूल से मेरे को ये एक सेंस आ रही है कि अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी करंट होनी चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी तो इस केस में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा. तो यही लेंस लॉ का प्रिंसिपल है. आई हेट चेंज रूल. सो आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर. देखता हूँ किसने डी लिखा है. ए से बी एंड डी से सी क्या डायरेक्शन है, ए से बी और डी से सी डायरेक्शन में करंट आना चाहिए. इस तरह से करंट आएगा बच्चों तो आपकी जो एग्जिस्टिंग, यहाँ पे देखो ना, इस डायरेक्शन में करंट, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कैसा आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आना चाहिए. ये क्वेश्चन था. एंड आई वन आई टू के बारे में कंपेरिजन मैग्नीट्यूड भी अगर आप जाना चाहो तो क्या है, तो आई वन इज इक्वल टू आई टू. एक्चुअली इफ दिस इज अ करंट इन द सेम लूप, तो करंट आप जंक्शन रूल जानते ही हो तो करंट सेम होगा बच्चों. ए एंड बी आर नॉट दी आंसर्स, डी इज़ दी आंसर. डी इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो गया इसमें क्योंकि इस तरह का लूप बना के दे दिया. तो आईटी के एग्जाम में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस तो आते ही है बच्चों, बट लेंस इज लॉ पे बेस्ड है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन एंड लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट. सो ये कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा. EMF उस लूप में या इंड्यूस करंट उस लूप में, ये लट्टू कब तक जलेगा, जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स जो है इस लूप के थ्रू चेंज होती रहेगी. फ्लक्स शुड चेंज, है ना, फ्लक्स इज द राइट वर्ड. फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक EMF बना रहेगा. इनफैक्ट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज वॉट फैराडे हैज प्रपोज्ड. तो ये बात अगर आपको क्लियर है, इतनी सिंपल सी बात अगर आपको क्लियर है, इस पे बेस्ड भी कई बार कितने ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं. ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, इसका क्या आंसर आया जल्दी से बताओ. कैसे एग्जाम में इस छोटे से कॉन्सेप्ट से बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, ये अपन देख रहे हैं आज के सेशन में. तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर करो, बहुत ही सिंपल है. यस, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर छुपा हुआ है कि आपका वन पोजिशन से अनदर पोजिशन पे 1 मिली सेकेंड 10^-3 सेकेंड के लिए मूव किया, ठीक है. तो ड्यूरेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, क्या वो रेस्ट पे था तब इसकी ईएमएफ बनेगी, तो रेस्ट के दौरान ईएमएफ जीरो होगी, बट जब ये मूव कर रहा है उस दौरान पे ईएमएफ कितनी होगी, ना जो भी होगी ईएमएफ, बट ये ड्यूरेशन पूछ रहा है. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैड अ वेरी सिंपल आंसर, ए इस क्वेश्चन का आंसर आया था. होमवर्क डिस्कशन भी चल रहा है साथ साथ. और ये देखिए एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है. तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना था. और टाइम फॉर विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, कितने समय के लिए ईएमएफ रहेगा आपके लूप में, ये निकालना था इस क्वेश्चन में. तो क्या आंसर आ रही है इसकी, इस वाले की क्या आंसर आ रही, पिछले वाले की ए आई है बिल्कुल सही है, बट इस वाले की ए तो नहीं है, इस वाले की इसकी ए है बिल्कुल सही, बट वॉट अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके ऑल राइट, क्या आ रही है बच्चों, क्या फैराडेज लॉ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. यस, अगर आप फैराडेज लॉ को समझ गए हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप जल्दी से कर लेंगे. थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं कई बार बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री एंड अदर रीजंस. तो इफ़ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन, क्या होगी मेरी अप्रोच, के ये जब लूप एंटर कर रहा है, फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, ईएमएफ कब बन रहा है ना, कितने ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए ईएमएफ बन रहा है, वो निकालना ही एक आपस में अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है. जब ये एंटर कर रहा है, जब ये एंटर करके यहाँ पे पहुँच रहा है, उस ड्यूरेशन में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई चेंजेस, और उस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा, तो ये पूरा लूप एंटर नहीं कर पाएगा. आपको पता है यहाँ से यहाँ तक, जब इसका ये वाला एंड यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि ए डिस्टेंस कवर करेगा, उतने में टाइम कितना लगा, ए बाय वी, ठीक है, तब भी आपका कुछ पोर्शन लूप का बाहर रह गया है, कुछ पोर्शन अंदर है. तो फर्दर मूवमेंट के दौरान क्या होगा, जब ये आगे मूव करेगा, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे से ये यहाँ पे आ गया, उस ड्यूरेशन में ईएमएफ जीरो है, उस ड्यूरेशन में कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है. देखना, जब ये ब्लू वाला रेक्टेंगल है और रेड वाली ब्लैक वाली पोजिशन पर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे में जितना एरिया था फ्लक्स का,
जितना एरिया था मैग्नेटिक फील्ड वाला वो चेंज नहीं हो रहा है. तो जब ये यहाँ से यहाँ पे आया दैट फाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उस ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंट ही रहेगा. और ये कब तक कॉन्स्टेंट रहेगा? जब तक इसका ये वाला एंड यहाँ नहीं पहुँच जाता, ये रेड वाला, और ये बाहर जब निकलना चालू करेगा यहाँ से, तो फिर से ये बाहर निकलने के लिए यहाँ से यहाँ तक रेड वाला रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस मूव करेगा. सो ए डिस्टेंस के लिए अगेन इसका EMF रहेगा. सो ए बाय वी एंड ए बाय वी, दिस क्वेश्चन हैड 2a/v एज द राइट आंसर. बी इसका राइट आंसर है. कितने ड्यूरेशन के लिए EMF बनेगा ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया राइट? इस क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. सो वेरी वेल, ये एक कॉन्सेप्ट था. एक तो कितने ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, देखो तीन तरीके हैं जिससे कि फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है. कौन से तीन तरीके हैं? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या फिर एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो. ये बताया था मैंने आपको एक क्लास में. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस करंट कॉइल में आ सकता है. तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे कैसे अलग अलग बहुत सारे तरीके उनसे चेंज हो सकता है. इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए. मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें चेंज हो रहा है इस तरह से, तो उस केस में T=0 पे इंड्यूस्ड EMF क्या है? T=0 पे इंड्यूस्ड EMF क्या है? ओके, यस, बी वॉज द राइट आंसर उस क्वेश्चन का. वेरी नाइस. इनमें से काफी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं बच्चों आपको, इसीलिए कि आप उसको ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो अपन उसको डिस्कस कर पाएंगे. और उसी तरह के रेलेवेंट कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं अपन. सो इफ बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप निकालिए जल्दी से, और मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है तो इस वाली एरिया से अभी फ्लक्स कितना है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. फ्लक्स का डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है, जो भी डायरेक्शन है. बी इंटू ए अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया तो इसका कॉन्स्टेंट है 3 × 2 m². ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जरूर चेंज हो रहा है टाइम के साथ. बी नॉट साइन ऑफ पाई टी, ये वेरिएशन है फ्लक्स का. अगर वेरिएशन टाइम के साथ ये हो रहा है तो EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ d φ/dt आप लिख सकते हो. तो d φ/dt आप निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. बी नॉट इंटू 6 m² मल्टीप्लाइड बाय साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस ऑफ पाई टी मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल. बच्चों चेन रूल मालूम है, पाई टी का डिफरेंशिएशन पाई यहाँ पे आपको देगा. तो ये पूरी चीज़ में बी नॉट की वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन में 1 mT मतलब 10^-3 6 × कॉस ऑफ जीरो, बिकॉज t = 0 पे कॉस ऑफ 0° इज 1 एंड आई थिंक यू हैव योर आंसर 6 mV बिकॉज EMF है, इंड्यूस्ड EMF है, यूनिट्स क्या होनी चाहिए? वोल्ट्स में. तो आई थिंक इसका आंसर बी आ रहा है काफ़ी बच्चों को, और सभी का आना चाहिए. ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो EMF d φ/dt ये फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर में अलग अलग सिचुएशंस में लगाने के लिए मिलेगा. सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है. अभी क्या सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फिर EMF कितना होगा? ये सिंपल से कुछ केसेस में लेके चल रहा हूँ. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए. बी 6 mV इज एब्सोल्यूटली राइट. शगुन वेरी गुड, एंड रश्मि एंड रजनी वेरी नाइस. काफ़ी बच्चों का सही आंसर, सभी का ऑलमोस्ट सही आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया. तो आप लोग हाँ KVPY एग्ज़ाम के लिए बेटा आपको अपने वही ओलंपियाड लेवल तक, एडवांस लेवल से थोड़ा ऊपर बढ़ना पड़ेगा. वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे संभव है? आप अपने प्रैक्टिस में सेंगेज बुक से और रेडो बुक से क्वेश्चंस लीजिए, ओके. एंड KVPY के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस लकी, आपकी क्या राउट है, आपकी क्या कमेंट है, अभी जस्ट करो, मैं देख रहा हूँ. ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल, एक x Tesla/s, दिस इज़ हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इज़ -x Tesla/s, क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है तो नेगेटिव है और माइनस साइन लिखा जाना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, अगर इस तरह के दो लूप्स आपने लगा दिए तो उस केस में क्या आपकी फ्लक्स डबल हो जाएगी? तो फ्लक्स पहले केस में बी इंटू ए था, उसके करस्पॉन्डिंग आपने d φ/dt निकाला, ई विच इज़ इक्वल टू बी db/dt इंटू ए. तो एरिया अगर आप डबल कर दोगे, बिल्कुल आपका जो आंसर है epsilon इज इक्वल टू यहाँ पे x टाइम्स a आ रहा था,
लेकिन सेकंड केस में जब आपने एरिया डबल कर दिया है, नाउ द फ्लक्स हैज बिकम्स बी इंटू टू ए, सो योर डी फाइव बाई डी टी विथ सेम डी बी बाई डी टी विल बिकम्स वॉट टू ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू. तो डी बी बाई डी टी एक्स जो भी है, लेकिन टू एक्स ए कितना होगा, तो वो टू एप्सिलॉन होगा. इस क्वेश्चन का भी एकदम सिंपल सा आंसर टू ई, बी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस ऑल्सो. आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. इस तरीके की इक्वेशंस लिख पाना, समझ पाना बहुत ही आसान है बच्चों. कई बार ओरली भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो. एरिया डबल कर दिया मतलब फ्लक्स डबल हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फील्ड का सेम है. सो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है. एंड इस क्वेश्चन में आपने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लास्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपकी किसी भी लूप में करंट क्या होगी. ये एक लूप है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर एंगल चेंज हो रहा है किसी भी कारण से, सपोज फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस केस में आपका एप्सिलॉन इंड्यूस बनता है. एप्सिलॉन इंड्यूस की वजह से करंट आती है. और अगर इस लूप की रेजिस्टेंस आर है तो बच्चों वो करंट कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाय आर. करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई है, वोल्टेज अगर आपको मालूम है तो एप्सिलॉन बाय आर करंट हो जाएगी. और एप्सिलॉन की वैल्यू फैराडेज लॉ से अपने को पता ही है. तो ये एक्सप्रेशन आपको याद ही आई नो, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था. बट अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लें तो आप विल यू माइंड दैट, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करिए. इस क्वेश्चन को भी मैंने होमवर्क में दिया, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो. इसकी आंसर आपकी आ गई है तो लिख दो जल्दी से. यस ओके. क्लास ट्वेल्थ के लिए अविनाश, आप फ्राइडे सैटरडे संडे इसी चैनल पे आइए. अगर आप पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दिख रहा है उस तरफ दबा दो, सो दैट यू विल नॉट मिस आउट एनी नोटिफिकेशन. कई बार मैं इस तरह के और भी ऑसम क्वेश्चंस क्विज में करता हूँ, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है. एंड इस क्वेश्चन का आंसर 15-18 कमेंट. बेटा कमेंट क्या है आपकी लकी? आपकी कमेंट तो मैं पढ़ रहा हूं, बट आपने क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या लिखा है वो देख नहीं पा रहा मैं तुम्हारा क्वेश्चन. ओके यस, अनअकैडमी पे लेक्चर लो एंड बिल्कुल डीसी पांडे एचसीवी के क्वेश्चंस करो. एंड विज्ञात, अगर आप डीसी पांडे एचसीवी करते हो तो आप मेन की तैयारी कर रहे हो बच्चे. विज्ञात आप मेन लेवल पे ऑलरेडी हो, डीसी पांडे और सेंगे. मेक श्योर कि एचसीवी पूरी कर रहे हो आप. ओके एचसीवी पूरी कर रहे हो तो आप ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे हो. थोड़ी प्रैक्टिस और, क्योंकि एक दो बुक पे कभी भी, तीन बुक से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट. मैं मानता हूँ तीन अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड काफ़ी बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बीच में बी भी बोल रहे हैं. ये बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें 5.5 इंटू 10^-4 था फ्लक्स इनिशियली ये है. एंड फाइनली कितना हो गया आपका 5 × 10^-5, यानी कि 0.5 × 10^-4 हो गया फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स की यूनिट वेबर, तो ये वेबर में आप लिख सकते हो. बट चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू डेल्टा एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लगा रहे हैं अपन. तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है आप देख पा रहे हैं, 5 × 10^-4 5 × 10^-4 अपॉन 0.1 सेकेंड में ये सब हो चुका है, तो 0.1 से डिवाइड कर दो एंड योर आंसर इज 5 × 10^-3. ठीक है, बट आपका ये 1000 टर्न्स भी है यहाँ पे, देखना ध्यान से, 1000 टर्न्स. अगर इतने सारे टर्न्स है तो उस केस में फ्लक्स भी आपका 1000 टाइम्स भी हो जाएगा, बिकॉज जितने आपके कॉइल में टर्न्स होंगे तो उतने ही टाइम्स हो जाएगा बी इंटू ए. फ्लक्स जो है वो एक कॉइल के थ्रू इतना है, तो एन कॉइल्स के थ्रू एन टाइम्स करना पड़ेगा. तो आई थिंक यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो इस क्वेश्चन में आपके 1000 से हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आई थिंक योर आंसर इज 5 volts. ठीक है, 5 volts तो ठीक है, बट करंट कितना होगा अगर स्पेशली आपकी रेजिस्टेंस 10 ohm है, तो करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ए इज द राइट आंसर, 5 volt एंड 0.5 ampere, बिकॉज रेजिस्टेंस इज 10 ohm. तो ये क्वेश्चन का आंसर ए है, बिल्कुल सही है. और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ बच्चों. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है, इंड्यूस करंट कितना होगा करस्पॉन्डिंग जब आर रेजिस्टेंस है आपकी इस कॉइल की, तो वो अपन को कंसेप्ट मालूम है. लेकिन कुछ बातें ध्यान रखो आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ द कॉइल पे. जो आपकी कॉइल की नेचर है जैसे कि रेजिस्टेंस है, उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ किस तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है
टाइम के साथ ज़्यादा चेंज हो रहा है कम चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो करंट है वो डिपेंड कर सकता है आप बोल रहे हो, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है इवन इन एन ओपन सर्किट। अगर ये सर्किट क्लोज नहीं हो, यहाँ से मैं तोड़ दूँ बच्चों ध्यान से सुनो, ये ओपन सर्किट होता तो उस केस में भी अगर मैं फ्लक्स चेंज करता हूँ इसके थ्रू तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, यस बनेगा, बट करंट नहीं बन पाएगा। ब्रेक कर दिया सर्किट, ब्रेक कर दिया इस सर्किट को, लूप को ब्रेक कर दिया तो उस केस में करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर बनेगा। इस चीज़ को मैं और इलेबोरेट करूँगा, एक दो दिन और रुको, आपके और भी लेक्चर्स आने वाले। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट मैं करवाने ही वाला हूँ तो इस चैनल पर, इसलिए रेगुलरली आते रहो बच्चों। एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इंड्यूस्ड करंट ये जो बना है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, करंट जो है बन रहा है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले में अपन देख पा रहे हैं। और ये जो करंट बन रहा है इसकी मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कॉइल मैग्नेट सिस्टम। अगर आपका कॉइल और मैग्नेट की वजह से अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बन रहा है तो उस केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ती है। तो ये एक हिंट दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इस तरह के कॉन्सेप्ट से आपका हो जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दे रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया था। EMI में आई थिंक 5-6 लेक्चर्स में बच्चों हो जाएगा, बट EMI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ऐसा हुआ है कि EMI से किसी न किसी तरह आपके एडवांस मेन में क्वेश्चन आया ही आया है, एंड लाइक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स। तो EMI पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आज अलग अलग टाइप के वो क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। आयुष, ऑलराइट, ओके, इस क्वेश्चन को देखो आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर्स आने लग गए ऑलरेडी, एंड क्या सही आंसर है आपका वो मैं बता रहा हूँ बस थोड़ी सी देर में। एक बार सभी लोगों को कंट्रीब्यूट करने दो, पक्का 2 एप्सिलॉन रहेगा, ओके, ऑल राइट, सो यू गॉट इट नाउ दैट अगर वी स्पीड से मूव कर रहा था, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है और करस्पॉन्डिंग ईएमएफ ई है, तो उस केस में इफ दे बोथ स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड वी, तो उस केस में बच्चों अपन बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल हो जाएगा। अगर वी स्पीड से एप्सिलॉन इफेक्ट आ रहा है, वी स्पीड से आपका d5/dt जो भी आ रहा है उसकी वजह से ई बन रहा है, तो वेरी फेयर टू से कि अगर 2v रिलेटिव स्पीड हो गया तो d5/dt आपका डबल हो जाएगा एंड 2 epsilon हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बट ये चीज़ को एक दिमाग में रखो कि रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ती है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ऑल राइट। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक दिस वन मोर क्वेश्चन फॉर एडवांस लेवल IIT का 2004 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरकीब से ट्राई करिए एक बार कि मैग्नेट मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इन दिस केस, हाउ शुड द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम लुक लाइक। ग्राफ वाले क्वेश्चंस कई बार जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको, मैं खुद बोलता हूँ ग्राफ ड्रॉ करिए अभी का अभी। आप लोग लिखते भी है कि हाँ डन हमने बना लिया, फिर अपन मैच करते हैं। तो बच्चों ग्राफ प्लॉटिंग की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2E इज द राइट आंसर, यस किट 2 एंड किशन, वेरी नाइस, ओके आशीष। जैसे मैं आपको PDF देता हूँ उसमें लास्ट में एंड में बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार आप ट्राई करने से स्टार्ट करो, ठीक है। और फिजिक्स में बेटा DPP के अलग से ज़रूरत है ही नहीं, फिजिक्स एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें भगवान ने एक वरदान दिया है HC वर्मा बुक के रूप में। HC वर्मा बुक एक ऐसी कंप्लीट पैकेज है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में हमको एक टॉपिक स्पेसिफिक के लिए अलग बुक पे जाना पड़ता है ना। हो सकता है कि आप मैकेनिक्स के लिए अलग बुक पे जाओ और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए अलग बुक पे जाओ, वो एक्चुअली फिजिक्स में करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि HC वर्मा एक बुक है जिसमें सभी कुछ सारे, वो बुक अगर आप पूरी करते हो इसका मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में क्लियर हैं। वंस यू डू अ चैप्टर फ्रॉम HCV सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के आपको आते हैं, ये बात गारंटीड है। फिर आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल और बुक ज़रूर करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्ज़ाम में आगे ले जाएगी। ओके, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, ए काफ़ी बच्चे इसका आंसर बोल रहे हैं, और क्या ए सही है, बी भी बोल रहे हैं, बट ए ज़्यादातर आप बोल रहे हो। I will explain this now. See, listen. अगर आपकी ये जो स्पीड मैग्नेट की कांस्टेंट है, मैग्नेट कॉइल के थ्रू भी जाएगा और उस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये जो मैग्नेट है बच्चों कैसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये जब अप्रोच कर रहा है, जब ये अप्रोच कर रहा है अप्रोचिंग वाले टाइम में फ्लक्स जो है आपका बढ़ रहा है, तो एप्सिलॉन होगा। और ये जब
बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, जब ये बाहर निकल के उधर चला जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा उस दौरान। उस दौरान में अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो बच्चों एक पार्ट ऐसा है जिसमें d∅dt पॉजिटिव है, मोशन का एक पार्ट ऐसा है जिसमें d∅dt नेगेटिव है। सो ये एक सिचुएशन है जिसमें d∅dt की साइन चेंज हो रही है, मतलब EMF की साइन जरूर चेंज होगी ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। EMF कॉइल में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में स्विच जरूर करेगा, मतलब कि बीच में एक ऐसा पॉइंट भी जरूर आएगा जहाँ पर आपका ये पॉजिटिव होके जीरो होके नेगेटिव हो रहा है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से सिंपल बात है, पॉजिटिव होके जीरो होके नेगेटिव d∅dt अगर हो रहा है, यानी कि आपका EMF भी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, मतलब बीच में एक जीरो होना चाहिए। तो जीरो यहाँ पे तो है नहीं, जीरो यहाँ पे तो है नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। किसी एक इन बिटवीन पॉइंट पे जीरो आना चाहिए। ये t इक्वल टू जीरो पे जीरो होना भी नहीं चलेगा, t इक्वल टू जीरो पे जीरो है फिर नेगेटिव है ये भी नहीं चलेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप यू एक्सपेक्ट एक किसी बीच वाले पॉइंट पे ये जाके जीरो होगा EMF, और EMF जीरो हो रहा है और दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग EMF की साइन है। सो डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप एक आइडिए से बच्चों अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन आपको देखना है। और जब ये बीच में है, सी देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये बीच में मूव कर रहा है तो उस दौरान आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा थोड़ी सी देर के लिए, है ना, आपका जो फ्लक्स है थोड़ी सी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इसीलिए आपका एप्सिलॉन d∅dt जीरो रहेगा। ये थोड़ा सा आपको बीच के एक पॉइंट पे जीरो रहेगा, इतना सा बस पता लगाना था, और दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो JEE 2004 का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। एंड इफ देर इज़ वन मोर मेथड इन विच फ्लक्स कैन चेंज, फ्लक्स आपका बी चेंज होने से चेंज हो सकता है, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल अगर मैं बढ़ाऊं घटाऊं तो भी आपका फ्लक्स चेंज होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा बच्चों। तो ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तो नहीं बोल सकते बट डूएबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने ट्राई किया है तो इसका आंसर जल्दी से निकाल के मुझे बताओ बच्चों। इस तरह के ऑसम क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन, बने रहो इस सेशन में। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, क्या आया था, ग्राफिकल क्वेश्चंस बच्चे आपकी स्क्रीन पे, विशाल आपने डिमांड किया आपकी स्क्रीन पे ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ईएमआई में काफ़ी क्वेश्चन ग्राफ वाले आते हैं, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो यस, पिछले का आयुष डी आंसर सही लिखा तूने, एंड शिवदत्त यू हैव आल्सो आंसर्ड राइट। थर्मोडायनेमिक्स टाइमली हो जाएगा बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स 11th का टॉपिक है आपके, 11th में जैसे ही कुछ जो इनिशियल टॉपिक्स है वो हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स होगा बेटा, डोंट वरी। एंड यस यस जॉनी यू कैन स्टार्ट हियर। ईएमआई जो एक चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए ईएमआई बहुत ही आसान चैप्टर है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। बट पूरा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, आई कैन सी कि काफ़ी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन होमवर्क का भी पार्ट था। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ, ये यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, उसके बाद से इसको मैंने थोड़ा आगे ले लिया, तो उस केस में है ना डी सी आपका एकदम एच पे था, इसको मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ा सा आगे ले लिया, तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बना हुआ, उसकी लेंथ मैंने एक्स ले ली, तो ये एक्स है, तो देखना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, 30 डिग्रीज, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला गैप कितना होगा इस ट्राइंगल में, जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बना हुआ है उसमें देखना ये वाला बेस क्या होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है एक्स, एंड दिस शुड बी योर एक्स बाय रूट 3। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ब्लैक वाला, ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड रखता है अपने में, तो उसका फ्लक्स करस्पॉन्डिंग कितना होगा, बी इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसकी साइड्स है ना, एल्टीट्यूड एक्स लिया था मैंने और बेस क्या हो गया, अगर हाफ ऑफ द बेस एक्स बाय रूट थ्री है तो बेस क्या हो गया आपका, सो हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस 2x बाय रूट थ्री हो गया, 2 कैंसिल भी हो रहा है, देखो बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स मेरे पास इस सिचुएशन में बी एक्स स्क्वायर बाय रूट थ्री आ रहा है। बच्चों अगर फ्लक्स आ गया है तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, सो d∅dt है ना, माइनस साइन वो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड पे अपन फोकस करें, d∅dt करिए b बाय रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय 2x
इनटू डीएक्स बाय डीटी। बच्चों ध्यान देना, डीएक्स बाय डीटी एक्स ये सब क्या है, वेरिएबल है बिल्कुल। एक्स कैसे वेरी हो रहा है, एक्स जो आपका ये पोर्शन का हाइट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो जैसे जैसे मैं इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से बाहर खींच रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से बाहर खींच रहा हूँ, वी इज इक्वल टू माइनस डीएक्स बाय डीटी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स घट रहा है, एक्स जो हाइट है ट्राइंगल का इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घट रहा है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी घट रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया मैंने। तो डी एक्स बाई डी टी को आप v से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये x वाले पार्ट को कैसे रिप्लेस करोगे, ये x वाले पार्ट को कैसे रिप्लेस करोगे, 2 भी यहाँ पे आ गया, सब कुछ कांस्टेंट है। x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यहीं से आप देख सकते हो कि x भी किसी तरह तो लीनियरली टाइम के साथ वेरी करेगा। x भी आप यहाँ से देख सकते हो कि x लीनियरली टाइम के साथ वेरी करेगा। सो सम a प्लस बी टी लिख देता हूँ मैं, तो क्योंकि अपने को जस्ट एक वेरिएशन चाहिए, सम ए एक्स ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी इस तरह से x टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मेरा ई एम एफ डी फाई बाई डी टी क्या था, ई एम एफ टाइम के साथ कैसे वेरी करना चाहिए, लीनियरली वेरी करना चाहिए। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, कांस्टेंट भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, बट इस तरह का लाइन जरूर है जिसमें लीनियर वेरिएशन हो। बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, है ना, एकदम आसान भी नहीं बोल सकते बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी ज्योमेट्री जरूर लगानी है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है एरिया, और एक्स टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, वी कॉन्स्टेंट है, और एक्स का यहाँ पे एक टर्म और आ रहा है, ये वाला एक्स का टर्म जो है वो लीनियर फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी टी, है ना, ए प्लस बी टी है सॉरी। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी रखोगे तो एप्सिलॉन आपका टी के प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन बनता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स डू वन मोर ग्राफ क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा बच्चा। तो ग्राफ के क्वेश्चन दिक्कत अगर देते हैं तो ग्राफ के क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सारे लाइन से यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कुछ आपको ईएमएफ वाले ईएमआई वाले, तो उसको ट्राई करते हैं। ओके बी काफ़ी बच्चों ने लिखा, एंड विज्ञात ऑल्सो रियलाइज बी है आंसर, वेरी नाइस। ओके ग्रेट ग्रेट इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन को चलते रहने दो बच्चों, और आपके जो भी फीलिंग्स आंसर्स सब कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। लाइव करने में यही एक फ़ायदा है कि आप सबके मैं रिएक्शंस टाइम टू टाइम देख पाता हूँ। ओके प्रदीप बोल रहा है फिर से बताओ, प्रदीप यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्स पोर्शन है ये टाइम के साथ, ऐसे समझो इसको, अलग तरह से समझा रहा हूँ, ये टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी टी आपका कांस्टेंट है इतना बोल सकता हूँ, इसको कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकाल रहा हूँ तो एल्टीट्यूड कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, बट जो एरिया है, एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, है ना, तो फ्लक्स भी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और डी फाई बाई डी टी मैंने किया तो 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी ये टर्म आ रही है, 2 इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी तो कांस्टेंट है, बट 2 इंटू एक्स जो टर्म है ये जो एक्स है ये कोई तो आपका लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी आपका कांस्टेंट है। एटलीस्ट मेरे को कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कैसा एग्जैक्ट फंक्शन है, बट आई कैन नो दैट दिस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। सो इफ एक्स इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, डी फाई बाई डी टी और एप्सिलॉन इज ऑल्सो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, सो लाइन आना चाहिए आंसर, ये क्वेश्चन था। अच्छा नया क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें देखो, पढ़ो और आंसर करो, नए क्वेश्चन के आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, अंकुश इज राइटिंग डी, बट कार्तिक ये इज राइटिंग बी। ओके ऑल राइट, हर्ष का भी बी है, देखते क्या आंसर है। हाँ बेटा आपका जो टाइम आप बता रहे हो उससे पहले सिलेबस होना ही चाहिए, सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, आपको पता है हम इस चैनल पे कितने रेगुलरली आ रहे हैं, दिस हैज़ बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड जेई चैनल ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पे आपका द ओनली ऑथेंटिक चैनल विच इज़ ट्रेंडिंग, जेई का एकमात्र ट्रेंडिंग चैनल है विच इज़ आवर चैनल, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट बच्चों। तो आप भी हमको अगर सपोर्ट करते हैं उस फीलिंग से, इफ़ यू वॉन्ट अस टू गो ऑन लाइक दिस एंड यू हैव टू डू वन थिंग दैट शेयर दिस, है ना, लिंक्स जो आपकी लिंक है, यूट्यूब लिंक है इन लेक्चर्स की, आप अपने सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे शेयर करिए, व्हाट्सएप है नहीं तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज या जस्ट लेट अदर्स नो, कुछ लोगों को बताओ कि यार तुमको पता है कि अनअकैडमी के इस चैनल पे इस तरह की तैयारी हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो आप किसी को बता सकते हैं, अपने दोस्त को स्कूल में या फिर कहीं और भी। तो काफ़ी बच्चे डी बोल रहे हैं, काफ़ी बच्चे बी भी बोल रहे हैं। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, बच्चों ध्यान देना, ये एक पहली बात तो सर्कुलर कॉयल है जिसकी रेडियस चेंज हो रही है, सर्कुलर कॉयल की रेडियस चेंज हो रही है, मतलब कि फ्लक्स चेंज होगा बिल्कुल। रेडियस कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट है
पहले एक सेकंड के लिए कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट रेडियस है तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, ये बात मैं बोल सकता हूँ। फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर एरिया, तो रेडियस कांस्टेंट है मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब ईएमएफ जीरो, फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है मतलब ईएमएफ जीरो, बस इस वाले पार्ट में जब रेडियस आपका बढ़ रहा है तब आपकी जो फ्लक्स है वो नॉन ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो ज़ीरो आई एक्सपेक्ट पहले एक सेकंड में और लास्ट के एक सेकंड में ज़ीरो, तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। इस तरह से एलिमिनेट करिए आप पहले ऑप्शंस को कि दो ऑप्शन पॉसिबल हैं अब, क्योंकि पहले और आखिरी एक सेकंड में रेडियस कांस्टेंट होने की वजह से आपका ईएमएफ ज़ीरो है। अच्छा, अगर आपको दोनों में से एक भी चूज़ करना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी फाई बाई डी टी करिए। डी फाई बाई डी टी कब काम आएगा, सारे क्वेश्चन डी फाई बाई डी टी से हो रहे हैं, समझ रहे हो आप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सारे डी फाई बाई डी टी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, बी इंटू पाई इंटू टू आर डी आर बाई डी टी आ रहा है, ठीक है, मेरे पास जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको मैं एक बार दरकिनार करूंगा और आर इंटू डी आर बाई डी टी टर्म पे फोकस करूंगा। बच्चों यहां पे फिर से देखिए, डी आर बाई डी टी इज अ कांस्टेंट, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो डी आर बाई डी टी कांस्टेंट बोल सकता हूं इस पार्ट में, यस डी आर बाई डी टी कांस्टेंट भी और पॉजिटिव भी है, लेकिन आर की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से बोल सकता हूं, कैन आई रिप्लेस दिस आर ऑल्सो एज सम ए प्लस बी टी, आई डोंट नो ए और बी क्या है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, बट लीनियर वेरिएशन और ये पार्ट कांस्टेंट है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि एप्सिलॉन या डी फाई बाई डी टी एक टाइम का लीनियर वेरिएशन आना चाहिए, इस तरह का वेरिएशन तो कतई नहीं आना चाहिए। तो आई एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट लाइन टी इक्वल टू वन सेकेंड और दो सेकेंड के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, फिर से आप एक्सपेक्ट करते हैं, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे बी लिख तो रहे थे, बट अभी सबको समझ में आया, वेरी नाइस, अभी सबको समझ में आया। ये एक और क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी से इसको ट्राई करो, वेरी, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ अभी के 10 मिनट में, तो देखते रहो इस चीज़ को, और वी आर कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके एंड वेरी गुड शगुन, अंकिता, काफ़ी बच्चों का बी आया, तो सही आंसर आपके आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो डेली बेसिस पे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर क्या आता है, क्या आंसर आता है, ओके ओके बेटा अनिल, मूड से फाइट करना पड़ेगा, आपका मूड नहीं है तो फिर जेई का भी मूड नहीं है कि आपको सेलेक्ट करे, वैसी बात हो जाती है, तो मूड तो बेटा बनाना पड़ता है, मैंने आपको कई बार कुछ सेशंस में बोला भी है, यू हैव टू एक्चुअली बी मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, आपको कोई और बोले या आप अपने मूड को देख के पढ़ाई मत डिसाइड करिए, गेट इन द मूड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन वेदर यू आर फीलिंग इट और नॉट, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं, काफ़ी बच्चे ए और बी दोनों में एक फाइट चल रहा है, ए और बी में से, तो आई थिंक ये उतना लंबा नहीं, उतना डिफिकल्ट भी नहीं, मैं इसको बता ही रहा हूँ, एक बार आपके और आंसर्स दे देते हैं, वेरी नाइस, ओके यहाँ देखना, यहाँ पे देखना, आपको अगर ये इंड्यूस करंट डेवलप्ड हो रहा है कितना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, सी क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछा गया है, एक ग्राफ दिया हुआ है आई और टी का, ठीक है, आपको अगर मालूम हो रिलेशन क्या है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, एक बार के लिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और अगर रेजिस्टेंस और करंट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैन आई राइट दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इन टू आर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंड्यूस करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशन एप्सिलॉन से क्या है, तो ये एक रिलेशन है, इसी में डी फाई इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में अगर मैंने इस डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आई आर डी टी इस तरह से लिख सकता हूँ, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आई डी टी की इंटीग्रेशन ध्यान देना इज इक्वल टू चेंज इन योर फाई, है ना, सम फाई वन टू फाई टू, जीरो से टी तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये चीज़ आपकी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई, डी फाई डेल्टा फाई चेंज इन द फ्लक्स फाई टू माइनस फाई वन इज इक्वल टू आर टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बाय द वे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आपका एरिया अंडर आई वर्सेस टी होता है, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ आपके सामने, उसके अंडर एरिया कितना है, सो यहाँ पे अगर आप सब्सिट्यूट कर दोगे वो चीज़, तो डेल्टा फाई आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछेंगे बच्चों क्वेश्चंस में, कुछ आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस 10
multiplied by half into area of this triangle is base is 0.1 into 4. I think answer is question ka aapka 4 times. So ye 2 aa jata hai, 2 units, 2 is the right answer. Change in the flux Weber mein hoga, to 2 Weber aap answer kar sakte ho. Ye question clear hai bachcho? Integration of I dt is the area under the curve. To area aapko isiliye de rakha hai curve, taki aap use kar sako. Isi concept ko main aage lunga. Ye jo concept hai aapka ek bahut important concept hai. You can find out amount of charge kisi bhi coil ka agar rotation ho raha hai ek magnetic field mein. Suniye meri baat. Kisi bhi coil ka magnetic field mein agar rotation ho raha hai, to uske through flux change ho raha hai. Aur flux agar change hota hai, to ek amount of charge flown through the coil aapko ek question mein is tarah ki term puchhenge. Kitna amount of charge flow kar raha hai ek loop mein resistance de देंगे, और उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर डेल्टा फाई अमाउंट से, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो d फाई बाय dt इज इक्वल टू माइनस d फाई बाय dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन. ओके, ये एक टर्म है, मैं लिख सकता हूं हमेशा. फैराडे लॉ हमेशा याद रखना है, उससे ही स्टार्ट करना है. अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस आ रहे, तो किसी भी मोमेंट पे करंट उसमें कितना होगा, इतना होगा. तो अगर करंट आपको ये मालूम है एंड इसको आप रीअरेंज कर दो, इस पूरे टर्म को आप रीअरेंज कर दो. dt को मैंने इस तरफ ले लिया है, dt को इस तरफ ले लिया. लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, आपको यहां पे t के रिस्पेक्ट में, तो 0 से t टाइम में सपोज आपका फ्लक्स phi 1 से phi 2 चेंज हो गया है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय r माइनस भी कॉमन आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे phi 2 माइनस phi 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. क्या होता है बाय द वे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी को मैं क्या स्मॉल क्यू लिख सकता हूँ, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन टी इक्वल टू जीरो टू टी टाइम. तो टी इक्वल टू जीरो से टी टाइम में एक कॉइल के किसी भी एंड पे, इसका मतलब क्या है, कॉइल में एक पर्टिकुलर एंड आपने पकड़ लिया, उसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, तो वो चार्ज फ्लो के लिए अब आप इस तरह से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर. आर बीइंग द रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. डेल्टा फाई क्या है, जितना फ्लक्स में चेंज हुआ है. अच्छा बच्चों, फ्लक्स आपको बी डॉट डी बी डॉट ए से निकालना आता ही है, तो फ्लक्स में चेंज भी निकालेंगे अपन और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका चार्ज कितना आया है वो एक वैल्यू आ जाएगी. जो माइनस साइन आ रहा है, आप अगर सोच रहे हैं माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो माइनस साइन एक्चुअली शोज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज. माइनस साइन को अपन दरकिनार करेंगे, माइनस साइन से आपको एक्चुअली मूवमेंट ऑफ द चार्ज या फिर करंट तो लेंज लॉ से पता ही है, निकालना आता ही है. तो आप चार्ज की मैग्नीट्यूड के लिए ज़्यादातर इस तरह की फॉर्म को यूज़ करेंगे. कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर भी बेस्ड, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, इस पूरी सिचुएशन में क्यू जो है, क्यू कितना चार्ज आपका इंड्यूस चार्ज पास हुआ है किसी भी कॉइल में किसी पॉइंट पे, ये डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पे, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कितना चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है उस पे डिपेंड कर रहा है. अगर आपने कॉइल को बहुत धीरे धीरे भी रोटेट किया है, कॉइल को अगर बहुत धीरे धीरे भी रोटेट किया है, सपोज आपने इस पोजिशन से इस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली पोजिशन पे, थीटा इक्वल टू जीरो से 180 डिग्री वाली पोजिशन पे रोटेट किया, बहुत टाइम लगाया है, तो भी उस केस में चार्ज फ्लोन विल बी सेम, क्योंकि चार्ज फ्लोन आपका डिपेंड कर रहा है नॉट ऑन द टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स, कितना फ्लक्स चेंज हुआ है उसी पे डिपेंड कर रहा है. क्वेश्चन से आप इस चीज़ को और अच्छे से समझोगे. ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एकदम कॉम्पिटिशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ट्राई करिए. सर्कुलर कॉइल एन टर्न से, रेडियस आर है, और इसमें वही क्वान्टिटी ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है, चार्ज फ्लोन कितना है. तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के जल्दी से एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. यस, ओके, हाँ, न्यूमेरिकल विशाल, न्यूमेरिकल ऑन चार्ज आगे आपकी स्क्रीन पे, देखो ट्राई करो इस क्वेश्चन को. न्यूमेरिकल मतलब जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अपन करते हैं कई बार, बट जनरल फॉर्म इज मच मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको याद होगा एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो नंबर से कैलकुलेशन से कई बार हट के सिर्फ इस तरह की जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं. तो कितना चार्ज फ्लो होगा, मैंने बोल रखा है आपको इस तरह का कंसेप्ट लगा दो, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर, है ना, चेंज इन द फ्लक्स इन दिस कॉइल, कॉइल में अगर रोटेशन हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स कितना है. अच्छा, ये कॉइल कैसे रोटेट कर रहा है, ये कॉइल इनिशियली परपेंडिकुलर है, है ना, कॉइल इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, डायग्राम भी बता दिया मैंने, और 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है. तो जब इसका एंगल 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो है, एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स बी डॉट ए क्या आ जाएगा, बी ए, बिकॉज सेम डायरेक्शन में होता है, तो बी ए
है ना, और जीरो हो रहा है. सो चेंज इन फ्लक्स इज बी ए, चेंज इन फ्लक्स इज बी ए, एंड एरिया ऑफ दिस कॉइल है ना, एरिया ऑफ दिस कॉइल, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स भी है आपके इस कॉइल में, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी है, और सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर दे रखा है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर, एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर, सी इज द करेक्ट आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स निकालो और आपका सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं करूंगा, आप इसको भी ट्राई करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको चाहिए थे, सी इज द राइट आंसर. ऑल राइट, शैलेश कार्तिकेय, वेरी नाइस, उत्तम मलिक, सही है, सही है, सही आंसर है आप लोग के, सभी बच्चों ने सी दिया ऑलमोस्ट, वेरी नाइस. ओके, अ बुक, बुक फॉर एडवांस्ड विज्ञात, अगर आप एडवांस को एम कर रहे हैं, बिल्कुल संगेज के कुछ क्वेश्चंस करिए और इरोडोब के भी क्वेश्चंस करिए. ओके, ऑल राइट, सी हो गया. एंड व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल, इस तरह की क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो क्या करना है, देखो इस कॉन्सेप्ट को लगाओ. प्रवेश, इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट एंड कम टू दिस क्लासेस रेगुलरली, आप अगर कंसिस्टेंट रेगुलर रहेंगे तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये बात मैं बोल देता हूँ. यस विज्ञात, आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बता दिया आई थिंक, कि एडवांस के लिए आप सेंगेज के और इरो के क्वेश्चंस करिए. ये क्वेश्चन है बच्चों जिसमें क्लोज्ड कॉइल अगेन ऑफ सम टर्न्स एरिया दे रखा है एंड रेजिस्टेंस आपको दे रखा है. तो उस केस में द मैग्नेटिक फील्ड इतना है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल व्हेन इट्स टर्नड ओवर और रोटेटेड बाय 180 डिग्री, टर्न ओवर मतलब पूरा टर्न कर दिया उस कॉइल को आपने 180 डिग्री से. सो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, और चार्ज फ्लोन के लिए ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं. सो चेंज इन फ्लक्स इस केस में अगर पूरा टर्न कर दिया आपने, कैन आई राइट दिस इज 2BA डायरेक्टली, क्योंकि आपका n नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो n टाइम्स 2BA ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्लक्स जो है BA से माइनस BA हो गया, आपका ये सिचुएशन था. तो चेंज इन फ्लक्स 2BA, सो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड 2 × 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आई थिंक 50 ओम. सो दिस इज अ वेरी इजी डूएबल क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से निकालिए. आंसर की यूनिट्स भी क्या होंगी ये भी बात ध्यान में रखें. सो आई थिंक 4 × 4 = 1.6 है ना, 16 × 10⁴ आ रहा है ना, यानी 1.6 × 10⁻³ कूलम्स में आंसर आएगा, चार्ज की वैल्यू कूलम. तो ये आपका इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, दिख रहा है सबको, वेरी नाइस, सी इज द राइट आंसर. सो दिस हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस बच्चों, आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आप सही आ रहे हैं. जो बच्चे इस चैनल पे रेगुलरली आ रहे हैं, मैं नाम से जानने लगा हूँ, उनको बहुत अच्छा एक फीलिंग होता है जब आप रेगुलरली आते हैं और लर्न करके वापस जाते हैं, आपको भी एक सेटिस्फैक्शन बच्चों मिलती है. तो उस सेटिस्फैक्शन को हमारे वीडियोस पे लाइक और शेयर की फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करिए. देर आर सम होमवर्क क्वेश्चंस आई एम लीविंग यू विथ, दिस हैज बीन अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस लेकिन आप और प्रैक्टिस करिए. ये मैं आपको अलग अलग पे बुक्स जो बताते रहता हूं, और उस बुक्स के लिए अलग से एक मैंने वीडियो किया हुआ है, बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेई बुक्स के लिए या गाइडेंस के लिए, हमेशा उस टाइप के वीडियोस को देखते रहो बच्चों. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस, इनको ट्राई करके जरूर आइए. कल के सेशन में मैं कुछ और फंडे बताऊंगा आपको, और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेगुलरली अब से आओ, और कभी भी जब भी हम क्विज करते हैं, कोई भी टाइम हो सकता है, उसके लिए नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड बिफोर द क्विज हैपेंस, तो आप तैयार बैठे रहें लाइव आंसर करने के लिए. ओके, और इन वीडियोस को हमारे मकसद को, हमारे जो मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए शेयर जरूर करिए. डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, होमवर्क उसी में मैं कई बार क्वेश्चंस देता हूं. अच्छा, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 11,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी जॉइंट टू अस. उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके इस लिंक को टाइप करके एंटर मारे, यू विल बी एडेड देयर. आई विल सी यू ऑल टुमारो इन अनदर सेशन 7 to 8, एंड जस्ट वेट फॉर द केमिस्ट्री सेशन, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय एवरीवन.